अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ कशफ और आज मैं बनाने लगी हूँ दुनिया का सबसे आसान तरीन ओरियो केक। ठीक है, तो उसके लिए ना सबसे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो कर लें। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक बोल में ओरियोज लिए हैं अनलिमिटेड। ठीक है, बहुत सारे पैकेट लिए थे मैंने ओरियो के। अच्छा नहीं, ये थे 24 ओरियोस। ठीक है, उसके बाद इनको ना ग्राइंड कर लेना है, पाउडर बना लेना है। आप चाहो तो क्रीम निकाल सकते हो, लेकिन बिला बजा की मेहनत लगती है मुझे, तो क्रीम से भी कुछ नहीं होता। मैं हमेशा क्रीम के साथ ही बना लेती हूँ। आपको निकालना हो तो निकाल सकते हो। वो पाउडर बन गया इनका, फिर मैंने इसमें दूध डालना है। वैसे तो ये ऐसा बैटर है, आपका पतला होगा, गाढ़ा होगा, आपका केक बन ही जाएगा और अच्छा ही बनेगा। लेकिन फिर भी थोड़ा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कि मैंने कितना दूध डाला। पहले आधा कप डाला, उसके बाद मैंने आधे से आधा कप लिया और वो भी डाल दिया, तो तकरीबन 3/4 कप दूध इसमें गया था। उसके बाद मोल्ड है मेरे पास ये सिलिकॉन के, तो मैंने इसमें डाल देना है। आप चाहो तो इसको किसी नॉर्मल कप में या किसी बॉल में, किसी भी चीज़ में बेक कर सकते हो। ठीक, तीनों के ऊपर अलग अलग टॉपिंग्स हम डालेंगे। एक पे मैंने बंटीज डाल दी, दूसरे पे मैंने चॉकलेट चिप्स डाल दिए, और तीसरे वाले पे ना बेक होने के बाद हम आइसक्रीम डालेंगे। तो इनको मैंने फिर माइक्रोवेव में चला लिया था, 2 से 3 मिनट लगे थे। एक एक मिनट करके चलाना है और खोल के देखते रहना है, तो जब आपको लगे कि हो गए हैं तो फिर इनको निकाल लेना है। और ये देखें हमारे जो केक्स हैं वो बेक हो गए हैं। जो तीसरा वाला है उस पर भी आइसक्रीम डाल देती हूँ इस तरह से। वो थोड़े से स्प्रिंकल्स मैंने डाल दिए थे। आपके पास अगर और कोई आइडियाज़ हैं टॉपिंग्स के तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं अगली बार वो भी ट्राई करूँगी। और इसको अगर आपने इस केक को अभी तक ट्राई नहीं किया है ना, तो आपको करना चाहिए, अभी करना चाहिए, क्योंकि ओरियोस किसे नहीं अच्छे लगते हैं। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।